कैसे हैं आप दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। आप देख रहे हैं वॉरियर ऑफ आर्ट और मैं हूं सम्राट। दोस्तों तो दोस्तों ये जो वीडियो है मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस बार मैं ड्राइंग करने वाला हूं, सॉरी पेंटिंग करने वाला हूं, कथकली का ड्राइंग। अगर वो कथकली क्या है आपको पता नहीं तो आप जाके गूगल पर सर्च करो या फिर यूट्यूब पर, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी उनके बारे में। दोस्तों ये जो पेंटिंग, उसमें ज़्यादा मैंने वाटर कलर यूज़ किया नहीं है, सीधा ऑयल पेंट्स का यूज़ किया है और वो बहुत ईजी है दोस्तों बिगनर्स के लिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो यार, और मैं अभी आपका टाइम ज़्यादा लूँगा नहीं, सीधा जाके वीडियो मिलते हैं। सो गाइस, जैसे मैं बोला था वाटर कलर बहुत कम यूज़ कर रहा हूँ, मैंने पहली लेयर बस वाटर कलर की यूज़ कर रहा हूँ जैसे हमने देख लिया। तो हाँ दोस्तों, पहले बता देता हूँ, अभी हम बस कथकली का फेस ड्रॉ करने वाले, ओनली एंड ओनली फेस, समझ गए? बाकी का जो सब कुछ मैं नेक्स्ट पार्ट में बता दूंगा। जैसे आप, मैंने आपको पहले बताया था डार्क टू फेंट करना है इस ड्राइंग में, बहुत ईजी भाई, बस डार्क टू फेंट। जैसे मैंने किया फेंट कलर, ओके अब लूँगा वाइट, थोड़ा सा कर लिया फिर डार्क, देख लिया डेट का सबसे पहला लेयर वाइट, फिर से मीडियम, फिर डार्क, समझ लिया? इससे और ज़्यादा रियलिस्टिक लुक आता है और ज़्यादा वाटर कलर भी मैंने यूज़ नहीं किया दोस्तों, समझ गए? ब्लेंडिंग में आपको आना चाहिए, जैसे मैंने ब्लेंड किया उसके साथ, समझ गए? देख लो कितना अच्छा इफेक्ट आ रहा है, देख लिया वैसे ही, ये देखिए जैसे मैंने नाक को किया, समझ गए? वैसे आपको पूरा करना है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आप गाना सुनिए, ठीक है? You said you couldn't take us too seriously. I must admit I was relieved, 'cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. देख लिया दोस्तों मैंने कैसे किया, बहुत ही सिंपल वे है दोस्तों करने का। दोस्तों जैसे देखिए, अब मैंने डार्क कर लिया, अब फेंट करूंगा, इसमें बीच में से ब्लेंड कर लिया दोस्तों, बहुत ईजी है दोस्तों, आप घर पर ट्राई कीजिए यार, सच में बोल रहा हूँ दोस्तों। देखा आपने कैसे व्हाइट जहाँ पर एरिया वहाँ पर थोड़ा सा व्हाइट कर रहा हूँ, जैसे फिर से डार्क कर लिया, डार्क ये फेंट, फिर मीडियम, फिर डार्क, समझ लिया दोस्तों? वैसे ही मैंने किया है दोस्तों, बहुत ईजी आ रही है दोस्तों, समझ गए? अब लिप्स में पहले फेंट कर लूँगा, फिर डार्क, ये देखा ऑरेंज कलर पहले यूज़ किया, फिर रेड कलर यूज़ किया, फिर उनको ब्लेंड कर लिया, देखो आप कितना अच्छा इफेक्ट आ रहा है। जहाँ जहाँ व्हाइट एरिया वहाँ पर मैं थोड़ा सा और ब्लेंडिंग कर रहा हूँ दोस्तों, देख लिया जहाँ पर मैं थोड़ा सा व्हाइट कलर यूज़ कर रहा हूँ उस एरिया में, ये सब देख सकते हो, वहाँ पर ब्लैक एरिया है तो मैंने पूरा डार्क कलर ब्लैक यूज़ कर रहा हूँ, रिच डार्क कलर, समझ गए दोस्तों? देखा आपने दोस्तों अब कैसे डार्क रिच कलर यूज किया। और हाँ, मेन जब आप आई ड्रॉ करोगे ऊपर से आपको हाईलाइट करने आईज, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, देख लिया दोस्तों? वैसे हाईलाइट करने आपको आईज, और आईज का जो आई बॉल है उसमें थोड़ी थोड़ी व्हाइट जगह छोड़ देने, उससे और रियलिस्टिक लुक आता है, जैसे आपने देख लिया वैसे आपको भी करना है दोस्तों। और ऊपर का जो हिस्सा वैसे करना है डार्क, मीडियम और फेंट, समझ गए दोस्तों? So, इस तरह से हो गया हमारा कंप्लीट फेस। अब नेक्स्ट वीडियो में दिखाने वाला हूँ पूरा सब कुछ, जो जो वो पहनते वो सब कुछ दिखाने वाला हूँ दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों आज छेड़ यही तक था, आई होप यू लाइक द वीडियो, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, कि इस चैनल पर आपको ऐसी ड्राइंग के रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे। और हाँ दोस्तों, ये कथकली का पेंटिंग का वो कैसे लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे मुझे सपोर्ट करते रहिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, तो टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।